नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं ईटी न्यूज भारत। आई नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर यूपी के जालौन से। ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल आज जालौन पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की और उसके समाधान को लिए प्रदेश के मुखिया से मुलाकात करने की बात कही है। प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल ने प्रेस वार्ता में कहा कि 1 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा गया है। इस पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग को हटाया जाए और भारत के साथ खुदरा व्यापारियों और उनके कर्मचारियों का जीवन बचाया जाए। प्रांतीय अध्यक्ष ने देश के सभी क्षेत्र मंत्रियों और 76 मंत्रियों और 793 सांसदों को ऑनलाइन ट्रेडिंग से खुदरा व्यापार पर पाबंदी को लेकर और उससे हो रहे नुकसान के संबंध में व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है और इसकी रोकथाम को लेकर मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि द्वितीय चरण के राजधानी लखनऊ में राजभवन पर 11 बजे से 1 बजे तक धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर व्यापार मंडल के बुंदेलखंड प्रभारी ओम प्रकाश गुप्ता जी और जिला अध्यक्ष अनिल यादव, जिला महामंत्री गोपाल और वरिष्ठ नेता महेश सर और तमाम लोग मौजूद रहे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। 150 कारपोरेट घराने आज पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से भारत के 7 करोड़ व्यापारियों और 7 करोड़ कर्मचारियों के पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं। उनके इस प्रक्रिया से ऑनलाइन ट्रेडिंग से खुदरा व्यापार दिनों दिन धरातल में जा रहा है और हमारे खुदरा व्यापारी जो हिंदुस्तान भारत सरकार को चलाने के लिए टैक्स देने का काम करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को चलाने के लिए टैक्स देने का काम करते हैं और चलाते हैं, आज वो रसातल में जा रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेड के विरोध में हम लोगों ने 250 राज्यसभा सदस्यों, 543 लोकसभा सदस्यों को पत्र भेजे, 29 कैबिनेट रैंक के मंत्री केंद्र सरकार के और 43 राज्य मंत्रियों को पत्र भेजे और 763 सांसदों को पत्र लिख के भेजा है। सारे प्रदेश देश के 35 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजा है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पे रोक लगाइए और 7 करोड़ खुदरा व्यापारियों के जीवन को बचाइए। ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में 27 जून को राजभवन पे हम प्रदर्शन करेंगे और सारे जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन करेंगे और इसका विरोध करेंगे, इसको चलने नहीं देंगे हिंदुस्तान में। मुझे पूरा विश्वास है कि आम जनता के हित में, 8 करोड़ व्यापारियों के हित में सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग को रोकने के लिए कोई ना कोई अध्यादेश जरूर आए। और संगठन जो व्यापारी संगठन और हैं, उन लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई इसके लिए। हम दूसरों की बात, हम अपनी बात जानते हैं, हमें हमसे अपनी बात पूछिए, दूसरों की बात आप उनसे पूछिए। नहीं असर तो पाता है मार्केट में, नहीं नहीं कोई असर नहीं। हमारा संगठन नंबर 1 है, 50 साल पूरे हो रहे हैं। हम दूसरे संगठनों की बात नहीं करते, सभी संगठन बहुत अच्छे हैं, हम किसी की बुराई भी नहीं करते। हम अपने संगठन की बात करते हैं कि 27 जून को हम राजभवन पे प्रदर्शन करेंगे और सारे जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन। सरकार ने बात नहीं मानी तो उसके बाद कौन सा कदम? बात नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन करेंगे, प्रदेश बंद कराएंगे, भारत बंद कराएंगे। 40 बार प्रदेश बंद करा चुके हैं, 4 बार भारत बंद करा चुके हैं। दुकान के हम व्यापारियों के नेता, अरबपतियों के नेता, करोड़पतियों के नेता,
भारत बंद होगा। अगर हमारा व्यापार रतातल में जाएगा तो एक एक व्यापारी दुकान बंद करेगा, हड़ताल करेगा। खबरों को देखने के लिए जुड़ा